वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम लॉजिक। प्रीतम लॉजिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट 9। इसके पहले हमने 8 पार्ट करा दिए हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 120 तक, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका दोस्तों 297.04, ठीक है दोस्तों 297.04 बटे 6.32 इक्वल टू 470। तो आप लोगों को दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है 297.04 बटे 6.32, ठीक है दोस्तों। इतना बराबर इतना दिया है दोस्तों, तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट उड़ा दो दोस्तों। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 गुना हो जाएगा दोस्तों, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है तो 2 0, तो यह 10 से 10 कट गया बराबर 470। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये 10 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 297.04 बटे 632 बराबर 47, ठीक है दोस्तों। इतना का मान 47 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं 297.04 बटे 6.32, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया दोस्तों, तो हमारे पास क्या बच गया 297.04 बटे 632, और इसका मान हम लोगों ने क्या निकाले हैं दोस्तों 47। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 112 नंबर, 7426 प्लस अंडर ब्रैकेट 3108 माइनस 840 गुना 30, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं दोस्तों। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 का 8 और 10 में से 4 जाए 6, और यहाँ पर फिर 10 में से 8 जाए 2 और यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों। रूल ऑफ बोर्ड मास, पहले गुना का काम करेंगे आप दोस्तों, गुना 30, ठीक है दोस्तों, प्लस अब इसको सबसे पहले 3 से 8 या 24 का 4, 6 18 2 20 का 0, और 2 3 6 2 8 और 2 3 6, ठीक है दोस्तों। और ये 0 लगा देंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 6 का 6 और ये 4 2 6 और 4 का 4, 8 7 15 का 5, 6 1 7, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 112। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 113 नंबर, 11 का स्क्वायर माइनस 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.11 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि स्क्वायर में गुना होता है, 11 गुना 11 माइनस 1.1 गुना 1.1 और यहाँ पे 0.11 गुना 0.11। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 121। इधर भी 121 और फिर यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक और यहाँ पे एक, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ दे देंगे 2 अंक के बाद माइनस और यहाँ पर भी 121 और देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट देना है तो यहाँ 0 दे देंगे और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है दोस्तों। गुना करने में कोई दिक्कत हो तो बोले, उसके बाद इसको घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल से घटाते हैं 121.1
ये 121.00 दे देते हैं, 00, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक है। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1.21 और ये 0.0121, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों घटाव में है, तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। अभी इसको हटा लें, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं दोस्तों। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 2 का 1, 1, 2 और 2 और ये 1। अब इससे घटाना है दोस्तों 121 में, क्योंकि ये दोनों माइनस में था इसलिए पहले जोड़ लिए, ठीक है दोस्तों। अब घटाएंगे 1.2221, ठीक है दोस्तों। अब 10 मन से 1 जाएगा तो 9, 9 मन से 2 जाएगा तो 7, फिर 9 मन से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पर भी 9 मन से 2 जाएगा तो 7 पॉइंट। यहाँ पे 0 था 1, इससे पहचान लेंगे तो दोस्तों 10 मन से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 1 और ये 1, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका दोस्तों, 8√25 +9, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले √25 को तोड़ेंगे। √25 का 5 होता है दोस्तों, +9, तो 8 × 5 = 40 और ये +9 = 49 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है दोस्तों। मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, तो आपका भी हक बनता है कि हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे दोस्तों, एक दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, 140 √x +315 = 10/15, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको, ये प्लस में है तो इस पर माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये प्लस में, इस पर माइनस में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको घटा लेंगे, 5 से 5 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, और फिर 10 मन से 3 जाएगा 7, और ये आपका √x। यहाँ देखिए दोस्तों 140 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में, 0 से 0 कट जाएगा और 14 × 5 = 70, ठीक है दोस्तों। तो √x बराबर क्या आ गया, 5। रूट को इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 5 का स्क्वायर। रूट को इस पार लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो x का मान क्या आ गया, 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 115। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 116 नंबर, 13 का स्क्वायर -x बराबर 169 -13, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 -x बराबर -13, ठीक है, ये 169। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, 169 इस पर प्लस में, इस पर प्लस में, तो कट जाएगा दोस्तों, और बच गया आपके पास -x बराबर -13, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 13। ये 169 कैसे कटता है आप लोगों को पता है, क्योंकि ये प्लस में रहता है दोस्तों, इस पर आके माइनस हो जाता है, तो 169 कट जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 नंबर, √121 +x बराबर 15 = 69 +74, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करना है, तो √121 का तोड़ेंगे तो दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है +x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 × 4 = 13 और 7 × 6 = 13 × 14 = 4, 5 × 1 = 1, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर, इसको इस पर लाएंगे तो माइनस में, ठीक है दोस्तों, तो इससे घटा देंगे
तो एक जाएगा तो दो, और यहाँ से एक जाएगा तो तीन और छः। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 117। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 है आपका दोस्तों, रूट अंडर 0.0049 प्लस 0.02 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, रूट अंडर 0.07 गुना 0.07 को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना दोस्तों, तो दो गुणन से एक बाहर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका बाहर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.07, और इसको अगर गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 0.02 गुना 0.02। तो दो दूनी चार और एक दो तीन चार, एक दो तीन एक चार, ये इतना हो जाएगा दोस्तों, 0.004। ठीक है दोस्तों, गुना करेंगे तो दो 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 इधर का और दो इधर का, तो हो जाएगा 0.0004। अब इन दोनों को सिर्फ जोड़ देना है दोस्तों, तो ये 4 का 4, 0 का 0, और ये 7 का 7, और ये 0 का 0.0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 118 आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका दोस्तों, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, 0.09 का स्क्वायर और प्लस 0.07 का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है दोस्तों किसको किस तरह से लिखना है, 0.09 गुना 0.09 प्लस 0.07 गुना 0.07, इसको गुना करेंगे तो 81, और ये एक एक दो एक एक दो, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा दोस्तों, 0.0081, और इधर 47, 49, इधर भी इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो 9, 1, 10 का 0, और 8, 4, 12, 1, 13 का 3, और ये 1। ठीक है दोस्तों, और ये 0 का 0.0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 120 नंबर, रूट अंडर 4 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो रूट चार को तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 64 बराबर x, यानी कि 64 2 66। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आपके सपोर्ट से हम लोग मोटिवेट होते हैं कि आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।